TCS इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है मेक इन इंडिया ने मनाया 10 साल का जश्न। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हालिया खबर पर। बीते 25 सितंबर 2024 को भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बता दें कि इस पहल ने घरेलू विनिर्माण, नवाचार, कौशल विकास और विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए अब जानते हैं मेक इन इंडिया पहल के बारे में। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत विभिन्न उद्योगों में करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 25 प्रमुख क्षेत्रों को चुना गया है, जिनमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रक्षा, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख हैं। इस अभियान के तहत कई क्षेत्रों में FDI की अनुमति दी गई है और नियमों को सरल बनाया गया है। भारत में निर्माण के साथ साथ नवीनतम तकनीकी सुधार और स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देना भी इस अभियान का उद्देश्य है। इस पहल के तहत स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देकर देश के उत्पादक क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इसका एक अन्य लक्ष्य भारत के उत्पादों के निर्यात को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा देना है। इससे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार और नवाचार को बल दिया जा रहा है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाई जा सके। आइए अब जानते हैं मेक इन इंडिया पहल का प्रभाव क्या है। इसके बाद से भारत ने 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2014 से 24 तक का संचयी FDI प्रवाह आकर्षित किया है। बता दें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI एक ऐसा निवेश है जो एक अर्थव्यवस्था में स्थित किसी विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थित किसी उद्यम में स्थायी रुचि और नियंत्रण को दर्शाता है। इसके तहत वर्ष 2020 में शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम स्वरूप जून 2024 तक 1.32 लाख करोड़ का निवेश और विनिर्माण उत्पादन में 10.90 लाख करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस पहल के कारण PLI योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापारिक निर्यात 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मेक इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 सितंबर 2015 को की गई थी। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।